नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने हरियाणा विधानसभा विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा इस जन्म में तो सीएम बनेंगे नहीं, इसलिए उन्हें मुंगेरी लाल के सपने देखने छोड़ देने चाहिए। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बनाई है, उसमें मेरे का 5 लोग हैं, 3 लोग इधर से हैं, 2 जेजीपी से हैं, वो जो बैठेंगे। जैसा अनिल विज जी का कल मीडिया में बयान, तो क्या गठबंधन को लेकर विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये गठबंधन लंबा नहीं चलेगा, दोनों स्वार्थ का गठबंधन है। इस जन्म में तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बना, वो मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दें, अगले जन्म में कोई अगुती उगती दिखा ले अपने हाथ उठ किसी ने, ये तो बीजेपी जेजेपी आजाद मिलकर 5 साल हरियाणा की जनता की सेवा। अच्छा, जिस तरह बीजेपी चाह रही थी वो उस तरह 75 पार वाली चीज नहीं बन पाई, तो हार की कल समीक्षा भी हुई है, तो क्या अब तक क्या वजह क्या सामने आई? तो हार की समीक्षा तो हमारी कोर कमेटी कल बैठी थी, उन्होंने क्या अच्छे से, वो तो अध्यक्ष ही बता सकते हैं, परंतु मेरा कहना है कि हमने नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस 2005 में 67 सीटें थी, हरियाणा नंबर 1 के विज्ञापन पूरे प्रदेश में दिए, देश भी दिए, सोनिया के आगे नंबर बनवाए, हरियाणा नंबर 1 हरियाणा नंबर 67 से 40 सीटों पर आए, हम 47 में 40 में आए, नारा हमने 75 पार का जुड़ दिया। और तो हमें आशा थी क्योंकि उपचुनाव भी जीते, मेयर भी जीते, 10 लोकसभा के चुनाव भी जीते, और हमारी हरियाणा की जनता ने हमारी नीतियों को पसंद भी किया, इसलिए हम 47 में 40 पे आए हैं, हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। परंतु फिर भी हम जो हमारी 75 का दिया था और उनको ये आशा थी, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट जनता संकेत ये दे रही थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो नीतियाँ हैं वो जनता ने पसंद की है, उसी आशा से 75 का नारा जरूर हमने लगाया था। परंतु आज भी हम कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल होने के नाते हम तीसरी बार फिर सरकार